साथियों नमस्कार। आज जानेंगे कोरल ड्रा में किस तरह से आप पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। बहुत यूनिक तरीके से बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर बॉर्डर पे बॉर्डर एरिया के बाहर आपका कलर चला जा रहा है तो उसको आप कैसे हटाएं, तो आज मैं आपको एक दूसरा तरीका और बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसे पेज की सेटिंग करनी है, ये मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ। सबसे पहला पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप करके आपको क्या साइज बनानी है वो साइज आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए विड्थ हमको बनाना 3.5 फिट की और जो हाइट बनानी है वो बनानी है 4.5 फिट की। तो इस तरीके का एक पेज बन जाएगा। ये बन गया हमारे सामने पेज। दिखने में भले ही इस तरीके से दिख रहा है लेकिन इसकी जो एक्चुअल साइज है वो वही है। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस एरिया पर आके एक गोला बनाना है, एक सर्कल तैयार करना है। और ये सर्कल क्या करेगा, ये सर्कल उस एरिया को पूरा ढक देगा। तो हम इसको पूरा ढक देते हैं इस तरफ तक, यहां तक, नीचे भी बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया पे ये जो बाहर बाहर सर्कल दिख रहा है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, आपको करना है एक रिक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल लेकर आपको इसके ऊपर ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की, आप माउस जो लेना है वो लेना पिक टूल, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करना है और आपको इसको भी सेलेक्ट कर लेना है जो आपने गोला बनाया था। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन मिल जाएगा बैक मीन्स फ्रंट, आप इस पर क्लिक करिए तो ये कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा है, कभी कभी ये नहीं कटता है, तो आपको क्या करना है, डिलीट की को प्रेस कर देना, एरो की का यूज करिएगा, पिक टूल, आप इस टूल का यूज करिएगा पिक टूल, और फिर क्या करिएगा, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो देखिए यहां से ये हट जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके बॉर्डर लाइन पे चारों तरफ आके इसको हटा देना, इसको डिलीट कर लेना है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया दोनों को और यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ इतना ही है, नहीं, एक्चुअली इतना नहीं है, ये पूरा का पूरा है। तो अब हम यहाँ पे ब्लैक कलर को फिल करते हैं। फिर उसके बाद जस्ट इसी की कॉपी तैयार करते हैं। कॉपी तैयार करने का शॉर्ट तरीका कंट्रोल डी, कंट्रोल डी दबाया और इसको थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाते हैं और इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे येलो कर दिया और आउटलाइन का भी कलर येलो ही कर देते हैं। आउटलाइन का लेफ्ट करेंगे तो फिल कलर चेंज होगा और राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन कलर चेंज होगा। अब उसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जो फ्रंट में येलो कलर का है। आपको चले जाना है अरेंज में, ऑर्डर में टू बैक कर देना है, ये पीछे चला जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए, जो येलो कलर का है इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा आगे कर लीजिए, जिससे ये लगे कि इसी में मिला हुआ है। और अब हमें क्या करना है, इसको फिर से सेम कट कर लेना है। सेम तरीका होगा, सेलेक्ट करिए और शिफ्ट दबाइए और फिर आके यहाँ पे बैक मींस फ्रंट कर देना। तो ये एक हो गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें सेम वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे भी हमें गोल ऐसे गोला तैयार कर लेंगे और फिर इसको हमें क्या करना है, जहां पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप इसको रख लें। तो जैसे इसको हम यहां तक एडजस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा और बाहर कर लेते हैं और ये एरिया ऐसे वाइट छोड़ना है हमको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर सेम वही करना है, इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने का सेम तरीका, आपको क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट की प्रेस करना है और दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर देना है। फिर इसी तरीके से इसको भी, देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बैक मींस फ्रंट और फिर आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप जो कलर आप देना चाहें वो कलर आप दे दीजिए और इसको हम थोड़ा पीछे की तरफ भेज सकते हैं या ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके ऊपर एक और सर्कल तैयार करेंगे। अगर आप कंट्रोल दबा के करेंगे तो ये एकदम गोल बनेगा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये हमने बना लिया और फिर इसमें आउटलाइन को हम नो करेंगे कैसे, लेकिन अभी एक मिनट का धैर्य बनाएंगे। पहले तो हम कोई पिक्चर लाते हैं, चलिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल में चल के इंपोर्ट। यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स रखी हैं लेकिन इसमें से हम ये पिक्चर लेते हैं और इंपोर्ट। अब जितना बड़ा आपका सर्कल है उतनी बड़ी आप इस पिक्चर को तैयार कर लीजिए।
अब समस्या एक है, पिक्चर हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, और ये भी आ गया। अच्छा, कोरल के अगर पुराने वर्जन में, जैसे मैं अभी कोरल 12 में कर रहा हूं काम, तो यहां पर आपको तो इस तरीके का क्रॉप ऑप्शन नहीं मिलेगा, नए वर्जन में तो मिल जाएगा। तो यहां पे आप कैसे करें, यहां पे हम सबसे पहले लें इरेजर टूल, जहां से लेके जहां तक आप कट करना चाहते हैं वहां से लेके वहां तक आप क्लिक करके ड्रैग कर लें, या आप इरेजर की साइज को भी बड़ा कर लें। तो देखिए काफी साइज बड़ी हो गई, इरेजर की साइज को आप बड़ा करके आप इस तरह से क्लिक करके आप मिटा सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, वो भी आप जानना चाहेंगे तो हमको कमेंट करिएगा, तो हम वो भी बताएंगे आपको। अब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये गोले के बराबर हो गया, और इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, ये आपका उस गोले पर फिट हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि गोले पे फिट ना हो। अभी देखिए यहां पे एक चीज और है, यहां पे एक लाइन है, इसको भी इरेज कर लेते हैं, जिससे अब आपकी पिक्चर सिर्फ कितनी रहेगी, इतनी ही। अब आप इसको इसके ऊपर सेट करिए, अच्छा आ गया, आप साइड में रख लीजिए। अब आ जाइए आप इफेक्ट में, पावर क्लिप पे, पावर प्लेस काउंटर पे, और इस लाइन पे क्लिक कर दीजिए, और इसको आप चाहे तो थोड़ा छोटा कर लीजिए, जिससे ये आपकी पिक्चर इसी में एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए आप, अभी ये पिक्चर नहीं सेट हो रहा, जिसको आप बाहर निकालिए, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। पिक्चर को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर से जाके इफेक्ट में, पावर क्लिप में, और इस पे फिट करिए, तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पे फिट हो गई। अब बचा ये आउटलाइन पिक्चर का, तो आपको क्या करना है, कलर में आ जाइए, कलर पैलेट पे, यहाँ पे ये जो कलर दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करिए, तो आउटलाइन हट जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब अगला काम आपको क्या करना, लिखना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको करना क्या है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें लेना है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, और इसके जूम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। जूम को बड़ा करने का एक आसान तरीका है कि आप स्क्रॉल बटन का यूज भी कर लें तो भी जूम बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे आप टाइप कर दें अपनी कंपनी का नाम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी नेम, कंपनी नेम लिख के इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लीजिए, आप जैसा भी चाहते हैं वैसा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दीजिए, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने सिर्फ कंपनी नेम दिया है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आप अगर कंपनी का कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो कंपनी के इधर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ लोगो, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए, हेलो जियो लोगो, और इसको भी उठा के लाके आप इसके ऊपर रख लीजिए। इसकी साइज को हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा लेंगे जो भी आपकी कंपनी का लोगो है, और इस नाम को आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप क्या करें, उसका कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे लिख देना है एड्रेस। अब मैं एड्रेस को यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, बाकी आप जो है इसमें समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है, इस पे इस एरिया पे एड्रेस लिखना है। तो हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया। एड्रेस लिखने के बाद अब फिर इसको थोड़ा जूम को थोड़ा छोटा करिए, तो जूम छोटा करने का एक तरीका यहाँ से भी है, तो आप जूम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। अब फिर आपकी कंपनी करती क्या है, तो जैसे आपकी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करती है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, जो भी कंपनी आपकी काम करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, इसके कलर को, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं, कैसे, येलो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल। अब थोड़ा माउस को घुमाएंगे और इसकी साइज को आप बड़ा कर लेंगे। अब ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो आप इस पे येलो कलर को कर लें, डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी, वो सब आप मैनेज कर पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें, और अच्छा थोड़ा बड़ा और करें तो अच्छा लगेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं, ये बीचों बीच आ जाएगा। अब इनके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर लेंगे, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप जो भी काम करते हैं, और उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट तैयार करके इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए,
कैसे यहाँ पे हमने येलो दिया, फिर एक बार कंट्रोल डी दबाइए, डुप्लीकेट हो गया। अब उसके बाद इसका कलर आप चेंज कर लीजिए। तो अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह से दिखने लगेगा, ये भी आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखना है, नीचे आपकी जो एजेंसी है उससे रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स लिखना चाहते हैं, मैं सिर्फ ऐसे डिटेल्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिटेल्स डिटेल्स, तो आप डिटेल्स लिख दीजिएगा। तो इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके फॉन्ट को भी बड़ा कर लेते हैं। अब कलर जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जूम थोड़ा छोटा करते हैं और इस तरफ आके बाकी चीजों को ऐड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कुछ चीजें यहाँ पे नंबरिंग करके या इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना कोई भी बुलेट या बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार आप जो चाहें वो बुलेट तैयार कर सकते हैं और इस बुलेट के सामने आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करिए और आपके जो कंटेंट हैं उनको लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके ऐसे लिख के थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ और आपके कंटेंट को इस तरह से सेट कर लेता हूँ। फिर इसी का डुप्लीकेट करते हैं, एक और नीचे लगा देते हैं, क्यों, ताकि आपका जल्दी से सेट हो जाए। कंट्रोल डी दबा दिया हमने कई बार तो ये एडजस्ट हो गया। अब फिर नीचे आपका कॉन्टेक्ट और डिटेल्स लिखना है, तो आप क्या करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट। तो टेक्स्ट टूल लेते हैं और लिख देते हैं कॉन्टेक्ट। आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर हो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा अपने हिसाब से और इसके फॉन्ट साइज को भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम इसका एक बार व्यू देखें तो ये कैसे छपता है फाइल में चल के आप इसका प्रिंट निकालें, तो प्रीव्यू देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये कंटेंट पेपर पर कैसे छपेगा। तो ये काफी बड़ा है, कंटेंट आ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे फिट टू पेज कर लेना है, तो ये आपके पेज में फिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका मैटर कैसे दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।